हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको सेल्फ डिफेंस के 3-4 टेक्निक बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों, आज के दौर में सेल्फ डिफेंस सीखना आप समझ सकते हो कितना ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सेल्फ डिफेंस के जो हम स्टेप बता रहे हैं उसको फॉलो करें। और ख़ासकर गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये सेल्फ डिफेंस आज के दौर में। तो दोस्तों, इसको सीखने से सेल्फ डिफेंस सीखने से पहले आपको जो है वो अपनी ग्रिप पंच ये भी मजबूत करने होंगे, क्योंकि अगर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है और पंच अच्छी नहीं है तब आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक हमारी ग्रिप और पंच अगर सही नहीं पाएंगे तो हम सेल्फ डिफेंस अगर करेंगे पूरी कोशिश से, लेकिन फिर भी हम अपने कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर सेल्फ डिफेंस अच्छे से सीखना है तो आपको पहले अपने ग्रिप और अपने पंच ये दोनों चीज़ें अच्छे से सीखनी होगी। तो दोस्तों, ग्रिप कैसे मजबूत हो, पंच कैसे मजबूत हो, तो उसके लिए ट्रिक है ये। अपने घर पे भी आप ये कर सकते हो। तो क्या करना होता है, पुलअप्स जो होते हैं, आप किसी डोर पे या फिर आप किसी चीज़ को, घर पे सिलेंडर वगैरह होता है, गैस सिलेंडर, उसको पकड़ के उठाओ या फिर कोई भारी चीज़ को पकड़ के उठाने पे ना, डेली अगर 10 से 5 मिनट तक आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो तो आपकी ग्रिप उससे मजबूत होती है। पंचेस मैं बताऊंगा अभी आगे अपनी वीडियो में कि पंचेस कितने किस तरीके से बनाएं हम पंच, ताकि वो पंच हमारा मजबूत हो और उसको मारने से ज़्यादा पावर लगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो पहला जो सेल्फ डिफेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपका कोई रास्ते से जा रहा है या फिर कोई नॉर्मली आपका हाथ पकड़ रहा है तो आपको उसको कैसे छुड़ाना है। तो दोस्तों, क्या करना है आपको, तो दोस्तों अगर कोई जा रहा है उसके बाद अगर किसी ने ये है ऐसे करके हैंड पकड़ लिया, तो दोस्तों देख रहे हो दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल मेरे टाइट करके पकड़ रखा है, बिल्कुल इन्होंने टाइट पकड़ रखा है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरा हाथ पकड़ लेंगे, तो मैं एकदम से घबराऊंगा, इनसे ये कहूँगा छोड़ ऐसे करके, तो ये हम नहीं छुड़ा पाएंगे। अगर हमें टेक्निक आती होगी तो हम झट से 1 सेकेंड में छुड़ा लेंगे ये करके अपना हाथ। ये कैसे छुड़ाया, इसकी टेक्निक है वो आपको करनी होगी, सीखनी होगी। टेक्निक क्या है, टेक्निक ये हैंड पकड़ना है। अगर ये हैंड का ये लॉक जो है, ये लॉक जो लॉक होता है वो एक तरफ से खुलता है, आपने सबने देखा होगा, तो लॉक जब एक तरफ से खुलता है तो वहीं से अगर हम काटें तो पूरा लॉक खुल जाएगा। तो इस ग्रिप में आप कैमरा आगे लाओ, इस ग्रिप में आप देख रहे हो, इधर से अगर मैं ऐसा करके छुड़ाऊंगा नहीं छूट पाएगी, ठीक है। तो करना क्या होता है, सामने वाला बंदा हमारा ज़्यादा पावरफुल है, हम कमज़ोर हैं, तो हमें हमसे ज़्यादा पावर लगा नहीं मिलती और सामने वाला पूरी ताकत से हमें पकड़ा होता है, हम उससे छुड़ा नहीं पाते। लेकिन कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं जो कम पावर लगा के हैवी पावर को मात दे देती हैं। वही चीज़, वही टेक्निक है ये। आपको क्या करना है, अपना हाथ को ये अपना जो हाथ है, अपना नेक जो हाथ, उसको अपना ही हाथ पकड़ना है, बिल्कुल नॉर्मली अपना ही हाथ पकड़ना है। और यूँ करके ये जब ऐसे करोगे तो ये देख रहे हो आप, यहाँ से ये गैप दिख रहा है, ये गैप में से आपका हाथ बहुत आराम से निकल जाएगा, चाहे कितनी भी इन्होंने बहुत टाइट पकड़ के, सामने वाला बंदा कितना भी हैवी क्यों ना हो, आपको बस क्या करना है, अपना हाथ पकड़ना है और यूँ करके छुड़ाना है। ये चीज़ आपको करनी होगी। तो दोस्तों, ये जो मैं ट्रिक बताऊँ आपको, ये आप बार बार करते रहें ताकि और अच्छी हो पाए। इसीलिए मैंने बोला था आपकी ग्रिप और आपके पंच मजबूत होने चाहिए। तो जब भी अगर आप क्या कोई ऐसा करके हैंड पकड़ेगा तो आप आराम से छुड़ा लोगे। छुड़ा के देखो, ये आराम से आपको ये भी छुड़ा सकते हो आप, लेकिन अगर कोई बहुत टाइट भी पकड़ रहा है ना, नहीं छुड़ा पा रहे हो ऐसे करके, तो अपना ही हाथ पकड़ना है आपको, अपना ही हाथ पकड़ के नॉर्मली ये निकालना है। आप इनका हाथ भी अपोजिट हो जाएगा ये करके, और इनके जो ग्रिप जो लॉक वाला है ना, यहाँ से कमज़ोर होता है, यहाँ से तुरंत खुल जाएगा और हमारा हाथ तुरंत निकल जाएगा यहाँ से। तो ये फर्स्ट ट्रिक थी जो आपको बताई थी, अगर कोई आपका हाथ पकड़े तो आप आसानी से अपने हाथ को छुड़ा लें। तो दोस्तों, इसका अब दूसरे सेल्फ डिफेंस आपको बताते हैं। दूसरा जो होता है, जैसे आपको किसी ने पीछे से पकड़ लिया, ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि मतलब लड़ाई झगड़े में आदमी होता है पीछे से पकड़ लेता है पूरी जान से, फिर छुड़ा नहीं पाता है कि अरे अब क्या करें, तो पटक देता है ऐसे करके या फिर नीचे बढ़ा देता है। तो आपको सडनली क्या करना होता है, इसमें क्या है, इसमें ट्रिक जो होती है, कई ट्रिक होती हैं, लेकिन आपको क्या करना होता है, सामने पीछे वाला बंदा जैसे बहुत ही ज़्यादा हैवी है और आप कमज़ोरों पर ही लोग ज़्यादातर अपनी ताकत आजमाते हैं, तो कमज़ोर लोगों को क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, सुबह या शाम में एक घंटे या आधा घंटे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी मजबूत हो सके। आप अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। तो डेली प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करें, आपके अंदर
फुर्ती भी आएगी और पावर भी गेन होगी। तो क्या करना है, अगर आपको किसी ने पीछे पकड़ लिया है और आपको छुड़ाना है ऐसे करके, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ज़्यादा अगर आपके आपसे ज़्यादा हाइट में पीछे बड़ा बंदा है तो क्या करेंगे आप, अगर हाइट आपकी नॉर्मल हाइट पे है तो क्या करेंगे, तो सब सिंपल बात है, अगर आपसे आपके बराबर में है और आपसे ज़्यादा ऊँचा है तो आप कैसे छुड़ाएंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपके अगर बराबर में बिल्कुल सर के पीछे सर आ रहा है उसका, या थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो आप पूरी कोशिश से करें कि अपना ये सर मारे उसको अपने पीछे, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि हमारा हेड यहाँ से मजबूत होता है और सामने पीछे वाला का ये हमारा पोर्शन आगे से कमज़ोर होता है। तो जब अगर हम पूरी ताकत से किसी के पीछे अपने पीछे से अगर मारेंगे, अगर किसी के फेस पे नाक पे अगर लग गया, नाक पे लगा, मुंह पे लगा, तो उसको बहुत दर्द होगा। जब दर्द होगा तो जाहिर सी बात है अगर ग्रिप कितनी भी टाइट पकड़ रखी होगी और आपने ये मार दिया तो ये लग गया, देखो इनके लग गया, इनकी ग्रिप अचानक से अपने आप ढीली हो गई। और मेरा कुछ नहीं हुआ, इनके सर पे लगा, यही चीज़ अगर इनके नाक पे लग जाती तो ये बिल्कुल एकदम छोड़ देते पूरी ग्रिप। तो यही चीज़ है, जब ये आप ये मारोगे ये एकदम से इनकी बॉडी लूज हो जाएगी, और आपको करना बस इतना है कि ये वाला अपना पैर चाहे इस साइड से निकलो, चाहे आप राइट ही हो या लेफ्ट ही हो, अपने हिसाब से निकलने का इतना अपने आप को निकालना है। उसके बाद में ये एल्बो से धक्का दे देना और बंदा गिर जाएगा। गिरने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, मार भी हो सो मारने जाओ, मारो, भागना चाहो तो भाग जाओ, ये चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक है वो है, अगर आपके कोई गला के पास कॉलर है, कॉलर पकड़ता है, खींचता है, वो टेक्निक, उसको कैसे छुड़ाना है आपको, तो छुड़ाना है, छुड़ाने के बाद में आपको अपने विरोधी को मारना है हल्का सा, और अगर आप फुल मारना चाहो तो फुल मारो, मारने के बाद उसको गिराने के बाद आप भाग भी सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका कोई कॉलर पकड़ता है तो उसको कैसे छुड़ाना है, तो कैसे छुड़ाना है मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपका कोई कॉलर कोई पकड़ेगा, एक हाथ से पकड़ता है नॉर्मली, पहले आदमी जो होता है वो कॉन्फिडेंस में होता है, उसको कॉल नॉर्मल कमज़ोर आदमी होता है उसको कॉलर ही पकड़ता है, हमें बता क्या है ऐसे करके ये बोलता है वो। तो आपको कॉलर छुड़ाना झट से, कॉलर छुड़ाने के बाद अगर आप मार सकते हो तो आपको मारना भी है, उसके बाद में और ज़्यादा मारना है तो आपको अगर आपकी जैसे प्रैक्टिस होगी आप वैसे मार पाओगे। बस ये टेक्निक आपको छुड़ाना कैसे है वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई कॉलर ऐसा पकड़ रहा है तो आपको कैसे छुड़ाना है। तो इसके मतलब दो बता रहा हूँ आपको टेक्निक कि कैसे छुड़ाना है, अगर बंदा ज़्यादा हैवी है तो कैसे छुड़ाना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसको सही है मेरी तरह है उसको कैसे छुड़ाना है। तो टेक्निक क्या है, अगर कोई आपको कॉलर पकड़ ले नॉर्मली आदमी एकदम से ऐसे एकदम से पकड़ता है, अब जो भी पकड़ता है वो कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ता है कि मैं इसको मार लूँगा, वो कॉलर पकड़ता है और कॉलर पकड़ने के बाद वो या तो फिर चनकट मारता है या पंच मारता है, तो आपको एकदम से अगर आपको कॉलर पकड़ लिया तो सतर्क हो जाना है आपको। आपको सतर्क होने के बाद में अपने इस वाले हाथ को आपको देखना है कि पकड़ा कौन से हाथ से है, उसके अपोजिट हाथ से आपको ये हाथ डालना है और इस वाले हाथ से भी इसको ऐसे पकड़ लेना है, दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लेना है ताकि इससे हम अपना फेस कवर कर सकें पूरा। ये फेस हमने कवर कर लिया, अब मारे अगर मारेगा भी तो हमारे हाथ पे लगेगा, और ये हमने अपना फेस कवर कर लिया। अब इससे एक और बेनिफिट है कि हम इस वाले उंगलियों को उसके हाथ की उंगलियों में डालेंगे, उंगलियों को उसके ये चीज़ है ना पम्प, ये पम्प को उसको पकड़ लेंगे और इस वाले हाथ से ये पकड़ लेंगे। अब अगर हमने इसे पकड़ लिया खीना चपटी हुई, उसको हम क्या करना है, अपनी पोजीशन बनानी है, हमें अपने पैरों से भी पोजीशन बनानी है, हमको पैर इकट्ठे नहीं करने, हम पैर इकट्ठे करेंगे तो कर देंगे, हम थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे जितने पैरों में हमारी बैलेंस जो है अपनी बॉडी का उतना अच्छा कर पाएंगे, हमको पैरों में गैप रखना है। उसके बाद में क्या करना है, हमको तुरंत ये सडनली, अभी मैं तो बता रहा था आपको जैसे कि कॉलर एकदम से ये छोड़ो पीछे से एकदम से, मेरे को नहीं पता आप इसकी लड़ाई होने, लेकिन मेरे कॉलर पकड़ लिया, मैं तुरंत ये हाथ डालूंगा, तुरंत ये ऐसे घुमाऊंगा, ये चीज़ आपको बहुत सडनली एकदम अचानक से करनी है ताकि सामने वाला बंदा आपको मारने पाए। जब अगर आपने ऐसे कर लिया आपको कुछ नहीं करना है, हाथ मोड़ना है, ये एल्बो है सबसे ज़्यादा पावर हमारे अंदर, जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो पावर जनरेट करती है मारने वाली नी होती है और एल्बो होती है। आपने अगर एल्बो यहाँ पे मार दिया कोने पे तो एक बंदा जो भी होगा वो पूरा बैठ जाएगा पूरा, आप उसके बाद फिर मार सकते हो या फिर अपना हट सकते हो, ये चीज़ है। तो एक टेक्निक तो ये हो गई, आपको क्या करना है, आपको दोनों एक हाथ से अपना ये पकड़ना है, पूरा अपना फेस कवर करना है, उसके बाद दूसरे हाथ से ये पकड़ के टर्निंग करनी है, ये टर्निंग आपने कर लेना है। उसकी टर्निंग के बाद तुरंत चाहे एल्बो मारनी है चाहे नी मारनी है, जो मारना है वो मारना है, सामने वाला बंदा तुरंत गिर जाएगा, ये एक फर्स्ट टेक्निक हो गया। दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी टेक्निक ये पकड़ लिया हाथ, इस वाले हाथ से अगर हमारे हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इस वाले हाथ को पूरा उठाना है, ये पूरा उठा के इस एल्बो पर मारना है, ये होता ना ये यहाँ पे जब हम मारेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, अगर हम पूरी पावर से मारेंगे यहाँ पे तो ये फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जब ये फोल्ड हो जाएगा ये करके, तब उसके बाद इनका फेस यहाँ पे पास में आया तो हमारे पास में ये हमने कोनी अगर ये करके मारी, कॉलर पकड़ा ये मारा,
इनका फेस हमारे अचानक हमने मारा, चाहे भले ही हमारे यहाँ से छूटा ना छूटा हाथ, लेकिन ये इनका फेस जो है हमारे करीब आ गया हमारे। यहाँ से हमको अपनी एल्बो मारनी पूरी पावर के साथ में, एल्बो मारनी है, एल्बो हर किसी की मजबूत होती है, एल्बो मारनी है, एल्बो मारना है, फिर से करो पकड़ो ये लेके यहाँ से एल्बो मारनी। जब हम एल्बो मार देंगे जो भी विरोधी होगा हमारा वो सामने जाएगा, चाहे जब वो पीछे हटेगा तो जब बॉडी के पास बॉडी को चोट लगती है तो थोड़ी देर के लिए कुछ फ्यू सेकंड के लिए हमारी बॉडी काम करना छोड़ देती है, तो हमारा विरोधी जो भी होगा फिलहाल वो सामने एकदम से गिरने वाला होगा या फिर लूज हो उसकी बॉडी लूज हो गई होगी, तब हम आप कुछ भी उस पर चाहे पंच से मार सकें चाहे उस पर किक मारें, वो हमारे ऊपर हेड गए हम उसको कैसे मार पाएँ वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो तीसरा हमको मैंने आपको बताया टेक्निक, कॉलर कोई पकड़ता है खींचता है तो उससे कैसे बचते हैं आप, और इसी के और आगे पहुंचते हैं, जैसे कोई दोनों हाथ से आपका गला पकड़ ले तब क्या करेंगे आप, तब क्या करेंगे उसके लिए भी आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ। उसके लिए ट्रिक क्या है कि अगर आपका कोई गला पकड़ लेता है ये हम छुड़ाते हैं उसको, अरे छोड़ दे, तो हमारे जो फ्यू सेकंड के लिए हमारा माइंड एकदम से बंद हो जाता है, एकदम से जो एकदम हम क्या सामने वाला वो पूरा प्रेशर लगाता है कि इसको नॉकआउट कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए, तो हमें क्या करना होता है हमारे पास बहुत कम सेकंड होते हैं, 10 सेकंड में हमारा अगर कोई गला दबाएगा तो हमारे पास 10 सेकंड है मतलब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि 10 सेकंड या 15 सेकंड के बाद इंसान को सांस लेना करना पड़ जाता है तब वो और लूज हो जाता है, तब आपके पास खाली 10 या 15 सेकंड होते हैं, आपको उसी में अपना गला छुड़ाना होता है। तो गला छुड़ाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर बंदा कोई भी गला पकड़ेगा तो ऐसे नहीं पकड़ेगा जैसे हमने पकड़ रखा है, वो उसकी नीचे बिल्कुल चिपका हुआ होगा ये करके, तो हम उसको ऐसे करके छुड़ाना होगा। तो जब हम यहाँ पे हम ये ऐसे उसके हाथ ना पकड़ के अपने दोनों हाथ नीचे इकट्ठे करें और दोनों ही हाथ इसके पास में ले जाएं, फेस पे मारें, ये यहाँ पे थोड़ी भी अगर मारेंगे उसके तो बहुत ही ज़्यादा उसके चोट लगेगी और वो लूज़ हो जाएगा, जैसे लूज होगा उसके हाथ ग्रिप छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद में आप पंच कर सकते हो या किक कर सकते हो, ये कर सकते हो। और अगर ये भी ना हो रहा आपको बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल नॉर्मली आदमी आप पढ़ना, आपको नी मारनी है एंगल पे बिल्कुल आराम से, ये नी मार दी उसके बाद कोई भी विरोधी जो होगा सामने वाला वो लूज हो जाएगा, उसके बाद में आपको कुछ भी कर लो, आप गला पकड़ लो, गला मरोड़ दो, कुछ करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है वो आप देख के आप सीख लोगे, और उम्मीद मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के साथ में कोई घटना घटे, लेकिन आज के दौर में हर किसी को आत्मरक्षा के टेक्निक है वो आनी चाहिए, खासकर गर्ल्स के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से बने रहें, आगे वीडियो और अच्छी अच्छी बना के आपको भेजते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।